See, what we have studied till now, we started with position, how to describe position declare tha, then we the distance traveled, then we have seen displacement. Two cases humne dekhe the. One was when position is marked on, position marked on number line, right? Position marked on number line. ये एक मेथड देखा था हमने. Then next we have seen position as a function of time. Position as a function of time. ये निकाल. इसके हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल निकाला था, राइट? नाउ नेक्स्ट इज ग्राफिकली. I'll sketch a graph of position time, position versus time. This is time axis, this is position axis. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6. One, two, three, four, -1, -2. द बिगिनिंग यू आर हियर 0 सेकंड पे यहाँ पे थे आप, 1 सेकंड पे आप यहाँ थे, 2 सेकंड पे आप यहाँ थे. So this is graph. Yes, as I was graph there, right? I'll mark the coordinates. This point is 0, -2. This point is 1, -1. This is 2, 0. This is 3, 3. This is 4, 3. This is 5, 5, 4. This is 6, 1. This is 7, -2. Just take a look on this graph. Samajhne ki koshish karo what is plotted in this graph. Kaise kaise time ke sath position change ho rahi hai wo aap samajhne ki koshish karo. Fir uske baad isse hum distance traveled or displacement bana ke dekhe. Okay, so what I have plotted here, I have plotted position versus time. I have plotted position versus time. ये line पे particle move कर रहा है. This is your position and this is your time axis, right? At the beginning, particle is at -2. Particle यहाँ से शुरू करता है, 1 second के बाद यहाँ पहुँचता है, 2 second के बाद यहाँ पे, 3 second के बाद यहाँ पे, 4 second पे भी वहीं है रुका हुआ, then 5 second पे यहाँ पहुँचा, 6 seconds पे यहाँ पे गया, 7 seconds पे यहाँ पे. So this is position versus time graph. Now I'll mark some interval. I'll measure distance traveled in that, and I'll mark displacement in that. So interval 0 to 2 ले लो, 0 to 4, 0 to 6, 3 to 6, 1 to 5. Now you have to answer distance travel and displacement. फिर उसके बाद इसके इनके भी ग्राफ बना के देखेंगे हम लोग. तो ग्राफ देखो ध्यान से, इन बताओ 0 से 2 सेकेंड्स में वॉट इज डिस्टेंस ट्रेवल. एनी वन?
what is distance traveled in interval 0 to 2 seconds? आवाज आ रही ना मेरी वैभव? यस सर. बताओ 0 से 2 सेकंड्स में व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस ग्राफ? रूट 13. नो, रूट 13 कहां से लाया? 0 सेकंड्स में वेयर इज पार्टिकल? पार्टिकल चल कहां रहा? पार्टिकल इज नंबर लाइन पर. रिमेंबर पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल इस पहाड़ पे चल रहा है. पार्टिकल कहां चल रहा? पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा. टू यूनिट्स इज करेक्ट आंसर. पार्टिकल 0 सेकंड में यहां था, 1 सेकंड पे यहां, 2 सेकंड्स में आया. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल? टू ही है सर. प्लस 2 यूनिट, सेम ही आएगा. 0 से 4, 0 टू 4 डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस 0 टू 4, तो 0 सेकंड में पार्टिकल इज हियर, 1 2 3 यूनिट. तो ये माइनस 2 है, माइनस 2 से 3 है, तो कितना हुआ? माइनस 2 टू 3, ये डिस्टेंस है, तो कितना हो गया? 5 units. So 5 units. What is displacement? सर पर 4 तक निकालना है ना? 4 second बता, confuse मत हो. 0 ये time है, 0 second से 4 second. तो 0 second पे आप कहाँ पे खड़े थे? Minus 2 पे. 1 second पे आप यहाँ पहुँच गए. 2 seconds पे यहाँ, 3 seconds पे यहाँ, 4 seconds में भी आप वही हो. 3 से 4 आप हिले ही नहीं. See, from 3 to 4 you're still on same point. So, okay, sir. 3 seconds पे, 4 seconds पे आपका position same ही है. ये आपका वैल्यू उतना ही रहेगा. तो डिस्प्लेस ट्रेवल इज 5 यूनिट्स. डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट वंस अगेन इज 5 यूनिट. वो भी चेंज नहीं है, सेम है सर, इसी 5 यूनिट्स में, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 5 यूनिट. नाउ 0 टू 6, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 टू 6 एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू 6? Three. No. Seven. कैसे बेटा? माइनस टू से शुरू किया आपने, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, कहां पहुंचे? 4 सेकंड में, 5 सेकंड में यहां पहुंचे, फिर आप रिटर्न आए. तो ये 6 + 3 9 9 यूनिट से डिस्टेंस ट्रेवल. ध्यान से देखो, कुछ गलती हो रही है, हमने किया हुआ है कुछ. माइनस 2 से स्टार्ट करके पहले आप कहां तक गए? 5 सेकंड्स पे आप 4 पे पहुंच गए, राइट? चलते चलते फिर आप 3 यूनिट पीछे आए, कहां पे? 1 पे आए. तो माइनस 2 से 4 गए, वो कितना यूनिट हो गया? 6 यूनिट. 3 यूनिट रिटर्न आया, तो 6 + 3 9 units science. Clear? Okay. Next one. Displacement बताना आपको 0 से 6 में. What is displacement in this time interval? 3. Displacement is +3. How? Initially you are here and finally you are here. So this is displacement. Displacement is just 3 units. Now, interval is 3 to 6 seconds. What is interval? 3 to 6 seconds. What is distance traveled? 4. 3 to 6 seconds mein 4. 3 seconds pe yahan, 4 seconds pe bhi wahi, 5 seconds mein yahan gaye, fir idhar return aaya. To 1 + 3, 4 units. So distance traveled is 4 units. What is displacement? 2. -2 उल्टा आया इस बार, नेगेटिव डायरेक्शन बदल गया, तो -2. लास्ट 1 to 5, फाइव
वन पे आप यहाँ पर थे, फाइव पे आप यहाँ पे हो, तो फाइव यूनिट्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो फाइव यूनिट्स। ऐसे आप ग्राफ देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल। नाउ सपोज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये बनाना है मुझे। तो मेरा जीरो से जीरो सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पहला टाइम मैं फिक्स रखूंगा। एक्चुअली इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट तो टाइम इंटरवल में निकलता है, तो जीरो से टी सेकेंड्स मेरा टाइम इंटरवल होता है, राइट। माय टाइम इंटरवल इज फ्रॉम जीरो टू टी सेकेंड्स। जैसे किसी ने पूछा वन जीरो सेकेंड्स में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब जीरो से जीरो, ये तो टाइम इंटरवल ही नहीं हुआ, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। किसी ने बोला वन सेकेंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस इंटरवल में। सो वन सेकेंड में मैं कितना चल चुका हूं, मैं समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, और आई विल एक्सप्लेन अगेन। मुझे ग्राफ बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या देख के, पोजीशन टाइम ग्राफ देख के मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना, राइट। सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, इनिशियली तो मैं चला ही नहीं ना, मेरी पोजीशन जो भी रही हो, भले मैं माइनस टू पे हूं बट मैं चला तो नहीं, तो मेरा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस टू, सॉरी जीरो। एक सेकेंड के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस वन, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस वन। टू सेकेंड्स के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया टू, तो टू सेकेंड्स के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट इज टू। थ्री सेकेंड्स में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया हाउ मच, फाइव ना, फोर फाइव, फोर फाइव फाइव, फिर फोर सेकेंड्स में भी मेरा डिस्प्लेसमेंट फाइव ही रहा, चला ही नहीं मैं। सिक्स सेकेंड्स में मेरा डिस्प्लेसमेंट एक और ऊपर चला गया, सिक्स हो गया। सेवन सेकेंड्स में ये हो गया, सिक्स सेकेंड्स में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया थ्री, यहाँ आ गया, एंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, ये है ग्राफ मेरा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जिसको ट्रिक समझ में आ गई वो मुझे बताए कि ये क्या हुआ है, ऐसा देख के बोलो। नहीं समझा किसी को भी, सितेज आ रहा है समझ में? यस सर। बेसिकली यहाँ पे पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया है, जो माइनस टू से स्टार्ट किया था ना मैंने ग्राफ, ये ग्राफ धीरे से शिफ्ट हो गया जीरो पे, ये पॉइंट जीरो पे चला गया और सारे इसके साथ दो दो यूनिट्स ऊपर चले गए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद रख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू पोजीशन टाइम ग्राफ एंड कैन बी ऑब्टेन्ड by shifting origin to starting point, that's it। और कुछ नहीं करना आपको, ये जो ग्राफ था इस ग्राफ में पार्टिकल इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, तो आपको ये ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, या ओरिजिन को आप नीचे शिफ्ट कर दो, तो इसको ऊपर खिसका दिया तो ये पूरी चीज ऐसे ऊपर चली गई। अब आप पूछोगे कहां से लॉजिक आया, तो लॉजिक में बताता हूं। सी डिस्प्लेसमेंट एक इंटरवल दिया है, इन इंटरवल टी वन टू टी टू, ये एक टाइम इंटरवल है, से पोजीशन या इनिशियल फाइनल कर देता हूं, आई एफ से कर देता हूं, आई एफ से पोजीशन एंड
TI and TF are XI and XF. The displacement ko, therefore displacement in interval is delta X denote karta change in position XF minus XI. Right? So XI jo bhi tha, agar XI zero ho jaye, if XI is zero, so delta X and XF are same. तो बेसिकली आपको इनिशियल पोजीशन को जीरो कर देना है, तो उसके बाद जो आपका फाइनल पोजीशन है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है. इनिशियल पोजीशन जीरो सेकंड पे आपका माइनस टू था, माइनस टू को आपको जीरो बनाना है. मतलब कैसे बनेगा वो प्लस टू करके. मैथ्स में हमने पढ़ा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट, तो प्लस टू कर दो तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो और वही मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया. वन था, माइनस वन था, उसको प्लस टू कर दो तो प्लस वन हो गया. जीरो था तो प्लस टू कर दिया तो यहां पहुंच गया. ये थ्री था तो प्लस टू कर दिया फाइव हो गया. फोर था प्लस टू कर दिया सिक्स हो गया. थ्री था तो फाइव हो गया, फोर था तो सिक्स हो गया, वन था तो थ्री हो गया, माइनस टू था तो जीरो हो गया. देखो नहीं समझ में आया तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ. पोजिशन टाइम ग्राफ से पक्का ना सबको आ गया. ओके, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने बोलेगा, तो ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल ग्राफ बाय शिफ्टिंग इनिशियल पोजीशन टू ओरिजिन. इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन पे फेंक दो और वापस से पैरेलल ही बना दो, तो दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू ऑब्टेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ये सब ग्राफ कहीं कहीं मिलते रहेंगे आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ. ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो लेट्स रिकॉल. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड तब तक सेम होते थे जब तक डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज आर सेम टिल डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन सेम. तो आप देखो यहां से जीरो सेकेंड से 4 seconds तक उसने, सॉरी 5 seconds तक उसने टर्न नहीं लिया है, ऐसे चलता गया, फिर उसके बाद रिटर्न लिया. तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां तक सेम है. उसके बाद क्या हुआ, देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होने लग गया. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 units पीछे आ गया ये, राइट. कहां था, 4 था. ये जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, ये ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ता जाएगा, सिमेट्री, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री जाएगी. जैसे ये नीचे आ रहा है ना, ऐसे चलता जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा. दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो आप कम कर दोगे बिकॉज वो रिटर्न आ रहा है, डिस्टेंस आपका कम नहीं होगा, डिस्टेंस आपका चलता ही जाएगा. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ आइडेंटिकल है यहां तक, फिर ये ऐसा चला गया और ये ऐसा चला गया. आ रहा समझ में, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. ये नीचे नहीं आएगा भले आपका पोजीशन नीचे जाए, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. पहली चीज कर लो, एंड कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम displacement time graph using symmetry, right? क्या करना है आपको, start from zero. क्यों, distance traveled में zero second में zero मानूंगा, तो start from zero, right? फिर क्या करना है, if displacement is positive, I'll start distance time graph coincides with displacement time.
displacement times, ठीक है। Use symmetry at points where displacement starts decreasing. Displacement starts decreasing. जहां से displacement कम होने लगे वहां से देखो, यहां से यहां तक सब सेम चला, यहां से displacement कम होने लगे तो आप सिमेट्री यूज करके उसको ऐसा। So, जब तक पॉजिटिव चल रहा था स्टार्टिंग से जहां पॉजिटिव था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चलते हैं, जहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नीचे आना स्टार्ट हुआ वहां से सिमेट्री यूज करके आप घुमा लो। तो डिस्टेंस टाइम को आपको नीचे नहीं लाना है, डिस्प्लेसमेंट नीचे आता डिस्टेंस नीचे नहीं आएगा। क्लियर है? आई होप सो। दैट्स ऑल इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड पोजिशन। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, दिखने लग गई हैं, तो वी आर ऑल सेट टू मूव टू स्पीड, ठीक है। हाँ, डाउट है किसी को? नहीं ना? नो सर। सर मुझे डाउट है। हाँ बोलो सर। सर ये मतलब वो सिमेट्री में जो जा रहा है वो पूछना था कि जा रहा है? नहीं समझा, वो क्यों जा रहा है ऐसा पूछ रहा है? सी, पोजीशन आपका शिफ्ट होता है ना, उससे आप डिस्प्लेसमेंट का अंदाजा लगाते हैं, राइट। जैसे ये देखो, ये आपका यहां से समझो 1 2 3 4 ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, समझो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो 1 सेकेंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 है। 0 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 दिख रहा है, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 1 है। मतलब आप स्टार्टिंग से कितना चले? 1 मीटर चले, तो आपका डिस्टेंस भी 1 ही रहेगा, राइट। फिर देखो यहाँ पे 3 सेकेंड्स में आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 2 हो गया, और आप आगे ही जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर से सेम हो गए। फिर यहाँ पे 3 है, फिर से सेम हो गए। अब आप यहां से रिटर्न आना चालू हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजिशन से मतलब होता है। अगर मैं आपको दौड़ने बोलूं इस लाइन पे, तो आप यहां से भागते हुए जाओगे, ऐसे गए और आप रिटर्न आ रहे, तो डिस्टेंस कवर्ड में तो ये पूरा डिस्टेंस कवर होगा ना, जाने का भी आने का भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना ही काउंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, बट डिस्टेंस ट्रेवल जो ये नीचे बना है वो आप ऊपर बन जाना पड़ेगा। तो यहां तक तो सब कुछ वैसे ही चला, इसके बाद आपका इसकी जगह ऐसे चले, क्यों? डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव हुआ यहाँ पे इस इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों भाई? मैंने दौड़ा दौड़ा, मैंने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज व्हाट आई हैव, मतलब वो जो कवर किया हो तो ऐड होना ही है, चाहे मैं इधर भाग के जाऊं या इधर। आपको मैं स्कूल से, ये घर है आपका होम और ये स्कूल है, आपको बोलूं आप यहाँ भाग के जाओ और रिटर्न आओ, नहीं। तो डिस्टेंस ट्रेवल में आपने इसको भी काउंट किया, इसको भी काउंट किया, डिस्प्लेसमेंट में ये काउंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में आप घर पे थे, फिर से घर पे हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इफ दिस डिस्टेंस इज एस, तो डिस्टेंस ट्रेवल में प्लस हो गया, डिस्टेंस आपका 2s हो गया। बट अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, राइट। तो ये निगेटिव, जब आप रिटर्न आने लगते हो तो डिस्टेंस ट्रेवल के टर्म्स में तो आप आगे ही जा रहे हो ना, समझा? तो इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा तो उसी पॉइंट से आप उसको स्प्लिट कर, इसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा था तो आपका डिस्टेंस भी ऐसा हो जाए, फिर आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसा था तो आपका डिस्टेंस भी ऐसा हो जाए, फिर से आपका नीचे गिरा अगर ये, लेकिन ऊपर उठता जाएगा, ये अगर नीचे आया तो ये ऐसा ऊपर हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऊपर जाता जाएगा, भले डिस्प्लेसमेंट टाइम पोजीशन टाइम नीचे आता जाए। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कभी कम नहीं होता, जो डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया खत्म।
ओके।